नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के सहयोग से मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पाखवाड़े के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन अध्यक्ष ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड गिरिराज दंडोटिया और प्रबंधक संचालक कर्मवीर ने किया। इस मौके पर अध्यक्ष गिरिराज दंडोटिया ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कृषक हो, गृहिणी हो, व्यवसायी हो या किसी भी अन्य वर्ग का हो, उसके अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण एवं बचत के प्रयास करने चाहिए ताकि देश के उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। हमारे जो उद्योग हैं, वो उद्योगों को पूरी तरह से सोलराइज करना, जो ग्रीन एनर्जी है उस एनर्जी से सभी उद्योगों पे रूफटॉप लगें, सारे उद्योग हमारे जो कार्बन उत्सर्जन हैं, जो जलवायु परिवर्तन हैं, कार्बन उत्सर्जन से हमारे जो दैनिक जीवन को जो हानि है, चाहे वो हम पर्यावरण की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, इस ओर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी उद्योगों तक, घरों तक और सब जगह पहुंचाने का काम करें। सोलर प्लांट से क्या फायदा है? इससे हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, जो जीवन के लिए मैंने बोला आपसे, पर्यावरण के लिए प्रदूषण से हम मुक्त होंगे, हम कार्बन से जो बिजली हमें प्राप्त होती है, जिससे माला जलवायु परिवर्तन होता हो रहा है बराबर, कभी गर्मी कभी बेमौसम बरसात, उससे भी हमें निजात मिलने का काम होगा। और जो बिजली हमें मुफ्त में हमारे सूर्य देवता से प्राप्त होगी, तो इससे हमें फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है। रूफटॉप की बात कर रहे हैं, तो रूफटॉप का सरकारी विभागों के ऊपर लगाया जाएगा और प्राइवेट संस्थान उनके ऊपर? इसमें कोई पाबंदी नहीं है, हम सरकारी विभागों के ऊपर लगा रहे हैं, लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज एरिया में भी, उद्योगों में भी रूफटॉप लगें, जिससे ग्रीन एनर्जी प्राप्त हो, कार्बन एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल हो। हम ऊर्जा को बचाना ही ऊर्जा का स्रोत है, हम चाहते हैं कार्बन से बिजली जो हमें मिल रही है पावर ग्रिड से, उस बिजली को हम कम करते हुए हम ग्रीन एनर्जी से बिजली प्राप्त करें, ऊर्जा प्राप्त करें, और जिससे हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, और जलवायु का जो लगातार परिवर्तन हो रहा है वो भी हमारा सुरक्षित रहेगा। ये विजन है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, और वो पूरे प्रदेश भर में इसके लिए मिशन लाइफ के एक नया अभी लॉन्च किया है भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार, तो मिशन लाइफ जिंदगी आदमी की सुरक्षित होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। तो जीवन में जब हम वायु प्रदूषित होगी और हमारा जलवायु का परिवर्तन हो जाएगा, तो इस चीज़ को निजात करने के लिए, इस चीज़ को तोबा करने के लिए हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, और ग्रीन ऊर्जा हमारे जीवन के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे शुद्ध वातावरण के लिए, और जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।